दोस्तों भारत को फ्रांस से अब तक 26 राफेल एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। इस साल के अंत तक यानी नवंबर दिसंबर के बीच में 36 में से 35 राफेल एयरक्राफ्ट भारत के पास हो जाएंगे और केवल एक राफेल बचेगा जो अगले साल आएगा। इस एक राफेल को रोकने के पीछे का कारण यह है कि फ्रांस में भारतीय पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा, अंतिम राफेल में कुछ मॉडिफिकेशन की जाएगी और इजरायली और भारत की कुछ तकनीक को इंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यह तो बात थी जो भारत ने 36 राफेल की डील फ्रांस से की थी उसके बारे में। लेकिन दोस्तों भारत एक और बड़ी डील फ्रांस से साइन करने जा रहा है। दोस्तों यह डील भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम को लेकर की जा सकती है। राफेल एम यानी कि राफेल का मैरीन वर्जन, और ये 2022 यानी कि अगले साल भारत आएगा। ये शुरुआत में ही यानी जनवरी में भारत आ जाएगा। दरअसल दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा कुल 57 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और MiG-29 को रिटायर करके उनकी जगह इन एयरक्राफ्टों को दिया जाएगा। इनमें अमेरिका की बोइंग कंपनी के F-18 का नाम भी था और इसने 2020 में ही अमेरिका में इसकी जम करके दिखाया भी था। अमेरिका के F-18 ने यह दिखाया है कि इसे भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दोस्तों F-18 के अलावा फ्रांस की डेसॉल्ट भी भारतीय नेवी को अपना राफेल एम वेरिएंट बेचना चाहती है, इसीलिए अब डेसॉल्ट अपने राफेल एम के द्वारा इसकी जम करके दिखाएगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इसकी जम करके क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण है कि जो फ्रांस और यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कैटोवर का इस्तेमाल करते हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में, यानी कि कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जबकि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टोबार का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से या रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इसकी जंप करना पड़ता है, तब जाके ये लॉन्च होता है या उड़ पाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से। इसीलिए फ्रांस के एयरक्राफ्ट और यूएस के एयरक्राफ्ट भारतीय नेवी को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका एयरक्राफ्ट इसकी जंप भी कर सकता है, और इसीलिए भारतीय नेवी इन्हें बेझिझक खरीद सकती है। अब दोस्तों अमेरिकी F-18 या दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले राफेल एम का चांस इसलिए ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि भारतीय नेवी ये कह रही है एयरफोर्स से कि जो उसके द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं उसी में मिला के नेवी के लिए भी एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाएं। वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल का इस्तेमाल कर रही है और राफेल के प्रति हमारी एयरफोर्स काफी ज्यादा आकर्षित भी है, पर जो भी एयरक्राफ्ट भारत में निर्माण किया जाएगा और जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ करने के लिए तैयार हो जाएगी उसी की तरफ इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, और ये हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रिसेंटली कहा भी है। तो अगर भारतीय एयरफोर्स राफेल खरीदती है और अगर उसमें 57 और राफेल एम जुड़ जाते हैं तो ये डील काफी ज्यादा फायदेमंद भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी और ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा सस्ते भारत को मिल जाएंगे। इसीलिए अब काफी ज्यादा चांसेस राफेल एम के ही माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नेवी चाहेगी कि इंडियन एयरफोर्स ही उसके लिए खरीदे और अगर नेवी F-18 को सेलेक्ट करती है तो इंडियन एयरफोर्स को भी इसी को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन एयरफोर्स एडिशनल राफेल को चाहती है, तो ऐसे में F-18 के बजाय राफेल इस समय भारत की लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं दोस्तों कल एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने नॉन लिथल वेपन्स को तैयार कर लिया है। दरअसल गलवान घाटी की घटना में चीन के सैनिकों ने नॉन लिथल वेपन्स का ही इस्तेमाल किया था और उस वजह से भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सैनिकों ने अपने हाथों से ही 45 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन चीन के इन एंशिएंट वेपन्स ने एक तरह से भारतीय सैनिकों को सरप्राइज कर दिया था, और जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी इस तरह के नॉन लिथल वेपन्स की मांग सरकार से की थी, और अब भारत ने इसी के तहत हमारे एंशिएंट वेपन को तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों इन वेपन्स को काफी ज्यादा आधुनिक भी बनाया गया है, जैसे कि इसमें एक त्रिशूल को बनाया गया है जो कि दिखने में तो एक सामान्य त्रिशूल लगता है, लेकिन इसमें एक बटन के माध्यम से इलेक्ट्रिक शॉक किसी को भी दिया जा सकता है। अगर इससे किसी दुश्मन पर हमला किया जाए तो वो व्यक्ति मरेगा तो नहीं, लेकिन वो कुछ समय के लिए लड़ने के लायक नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसे ग्लव्स को भी तैयार किया गया है जिनमें इस प्रकार का करंट निकलता है, अगर इनसे किसी को मारा जाए तो सामने वाला इंसान जमीन पर बेहोश होकर गिर जाएगा। इसके अलावा एक वज्र को भी तैयार किया गया है और इसके थ्रू बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी पंचर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये काफी मददगार होगा स्पेशली चीन के खिलाफ, क्योंकि भारत का चीन के साथ एग्रीमेंट है कि बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलेगी, और इसीलिए चीन ने गलवान में इस तरह के हथियारों का उपयोग किया था। मगर अब भारत ने भी इस तरह की तैयारियां कर ली है। यही नहीं, इसी तरह की ड्रेस भी सैनिकों के लिए प्रोवाइड की गई है जो इस तरह के हमले से खुद को बचा सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।